आज मेरी केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी जरूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो एज इट इज रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है, गणेश जी जितने विघ्न होते हैं उनको हरने वाला उनको देवता माना गया है, विघ्न दूर करने वाला देवता माना गया है, तो उन दोनों की तस्वीरें उसके ऊपर लगनी चाहिए। क्या से क्या हो गया देखते देखते। वाकई अगर अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देखा जाए, अरविंद केजरीवाल जी के पॉलिटिक्स को देखा जाए, तो किस प्रकार से यूटर्न किया जाता है आज ही हमारे सामने पूर्णतः उतर के आ रहा है। आप सोचिए, वही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। दिवाली लक्ष्मी जी और गणेश जी का पर्व है, और दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धमकी देने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार का यूटर्न ले रहे हैं, आज किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने विगत वर्षों में कहा था कि जहां राम मंदिर बन रहा है, जहां भव्य राम मंदिर बन रहा है, वहां राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां तो अस्पताल बनना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी की वो वीडियो भी है, जनता उस वीडियो को देखे जिसमें केजरीवाल जी कह रहे थे कि मैं तो किसी भी कीमत पे उस राम मंदिर में आराधना करने, पूजा करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस राम मंदिर में पूजा जो है वो भगवान प्राप्त नहीं करेंगे, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने हाथ जोड़कर उनसे आग्रह करना चाहूंगी कि इस प्रस्ताव का विरोध ना करें। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का प्रस्ताव नहीं है, ये भारत के 130 करोड़ लोगों का प्रस्ताव है। इस देश के 130 करोड़ लोग ये चाहते हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो भारत के नोटों पर छपे। देखिए, हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी से नफरत करते हैं, और अरविंद केजरीवाल जी को रोज रोज आप गालियां देते हैं, लेकिन आप अरविंद केजरीवाल जी से नफरत अगर करते हैं तो करते रहिए, पर अरविंद केजरीवाल जी से नफरत की वजह से आप गणेश जी और लक्ष्मी जी से तो नफरत मत करिए। आप इस देश के लोगों की समृद्धि से तो नफरत ना करिए। आप इस देश की अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी से तो नफरत मत करिए। आप लक्ष्मी जी और गणेश जी के आशीर्वाद से तो नफरत मत करिए। अरविंद केजरीवाल वो काल नेमी की तरह है, मुंह में राम, बगल में छुरी। ऐसे में इनका विश्वास नहीं किया जा सकता ये क्या कह रहे हैं। अगर सही मायने में आप इस बात पे गंभीर हैं कि नोट के ऊपर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो आनी चाहिए, तो आपको तुरंत अपने मंत्री इमरान हुसैन से और अमानतुल्ला खान अपने विधायक से इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी चाहिए, ताकि ये पता किया जा सके कहीं आप सिर्फ राजनीति तो नहीं कर रहे हैं इस पे। और दूसरी चीज, जो आपके मंत्री और आपके प्रदेश अध्यक्ष लगातार हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं, राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश सबके अस्तित्व पे ही प्रश्न उठाते हैं, उनको तुरंत आपको अपने पार्टी से सस्पेंड करना चाहिए। तब हम समझेंगे कि अरविंद केजरीवाल आप कहीं से इस प्रस्ताव पे सीरियस हैं। वैसे हमें पता है
गुजरात में जो सर्वे हुआ है उसमें आम आदमी पार्टी को 0 सीट आ रही है। इससे बौखलाए हुए आप कोई भी चुनावी स्टंट कर सकते हैं।